स्टे कर लिया, ना फोन हिलेगा ना डुलेगा, इस तरीके से पकड़ के इस तरीके से यूं घुमाया। ये हो गया सिनेमेटिक शॉट, इसको आप चाहे बीच में कॉम्बिनेशन लगा लो या फिर ट्रांजेक्शन यूज कर लो, दोनों चलेगा। अदरवाइज नहीं करते हो तो पहले स्टे रखो, यूं घुमाओ, फिर बाद में स्टे रखो। सो हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मेरी ओर से आप सभी को छत्तीसगढ़ी जोहार, गुड मॉर्निंग और जय हो। तो यार आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है, इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला कि हाउ टू शूट एंड हाउ टू एडिट माय वीडियोस। आप सबका बहुत ज्यादा कमेंट आता था और मेरी ओर से मेरी जिम्मेदारी बनती कि मैं आपको मतलब शेयर करूं मेरी नॉलेज जो मैंने अब तक सीखा कि मैं अपनी वीडियोस किस तरीके से शूट करता हूं और किस तरीके से एडिट करता हूं। तो सबसे पहले तो आपको शेयर करना चाहूंगा कि मैं अपनी वीडियोस की शूटिंग कैसे करता हूं, मतलब प्रॉपर जब वीडियो के लिए शूटिंग किया जाता है। तो ये है सेल्फी कैमरा सामने, तो सेल्फी कैमरा से अपने आप को शूट नहीं करना है क्योंकि सेल्फी कैमरा स्मूथ कर देता है, मतलब व्हाइट को अच्छे से व्हाइट नहीं दिखाएगा, ग्रीन को अच्छे से ग्रीन नहीं दिखाएगा, पूरा मेकअप वेकअप पूरा ठीक ठाक कर देता है। तो सेल्फी कैमरा सही नहीं रहता है वीडियोस के लिए। जो रियर कैमरा होता है, बैक कैमरा, इसमें तीन कैमरास होती है, दो कैमरा, चार कैमरा, आपका जो भी है। इसमें एक मेन कैमरा होता है, एक सेंसर रहता है, एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा रहता है, तो सब कॉम्बो मिला के बनता है एक वीडियो कैमरा। तो जब भी आप शूट करो हाथ को इस तरीके से रखो, इस तरीके से, मतलब ऐसे ना रख करके इसको ऐसे पकड़ना, ऐसे ऐसे, मतलब कैमरा अपने और कैमरा पीछे वाला कैमरा मुझे देखे, मैं उसको देखूं और डिस्प्ले सामने की ओर रहे। तो इस तरीके से शूट करना है। यदि मुझे कुछ बोलना है तो मैं इस तरीके से बोलूंगा, और यदि सामने की ओर मुझे कुछ दिखाना है तो मैं ऐसे करके ऐसे घुमा दूंगा, ऐसे एंगल देख रहे हो हाथ के, इस तरीके से। ये चारों उंगली, यहाँ पास पड़नी चाहिए, यहाँ बराबर एकदम लेयर में, और ये यहाँ, ताकि आपको पकड़ते हुए कंफर्टेबल लगे। और इजीली इस तरीके से पकड़ो। यदि आपका कैमरा साइड में है, मतलब बीचों बीच में नहीं है, फोन के बीचों बीच में नहीं है, साइड में है, तो उसको ऊपर की ओर रखो, और बीचों बीच में है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऊपर की ओर रखो, इस तरीके से बोलो कि मतलब सामने वाले सीन को दिखाना है। तो इस तरीके से करके ऐसे, इस तरीके से ऐसे 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 ऐसे, ऐसे, फिर एंड। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कैसे शूट करता हूँ। और ये रहा मेरा फोन, कल मैंने एक वीडियो शूट करी थी जिसका एडिटिंग मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं अपनी एडिटिंग्स में किस तरीके से करता हूँ। वॉल्यूम को चार प्रकार से इंक्रीज किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, मतलब बेहतर बनाया जा सकता है। जब आप सबको भली बात ही पता होगा कि मैं कोई माइक यूज नहीं करता हूँ, फिर भी जहाँ तक मुझे लगता है ऑडियो क्वालिटी थोड़ा बेहतर ही रहती है। तो आप सबको कमेंट आता है कि किस तरीके से आप एडिट करते हो, कैसे एडिट करते हो, तो आपको शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। वीडियो के स्किप मत करना, नहीं तो आपको नुकसान हो जाएगा, आप समझ नहीं पाओगे, पूरी तरीके से समझ नहीं पाओगे कि आपको प्रॉपर चाहिए क्या और आपका सीनू भाई कौन सा टेक्निक यूज करता है वीडियोस को एडिटिंग के लिए। सबसे पहले मैं अपना काइन मास्टर ओपन कर लेता हूं। आप सब नोटिस करना, मैं वॉइस ओवर करते जाऊंगा कि किस टॉपिक पे क्या चीज पकड़ना है। तो मेरा अपना स्क्रीन रिकॉर्ड ये रहा, तो स्क्रीन रिकॉर्ड ऑन हो चुका, और ये हमारे मेरा काइन मास्टर ओपन होने जा रहा है। प्लस के बटन में तो मैंने क्लिक कर दिया, और यहाँ पर रेशियो सेट करना है 16.9। तो कल की मेरी शूटिंग रही ये, कैमरा वाले ऑप्शन पे मैंने सेलेक्ट कर लिया। कल का शूट रहा ये वाला जो मैंने नदी के पास शूट किया था, तो इसमें एक फुटेज आ चुकी, इसको आप नोटिस करना कि ये रहा फुटेज, इसको टच करो। सबसे पहले वॉल्यूम का जो मिक्सर का बटन 100% जो दिया रहता है उसको 200% कर दो, कोई दिक्कत नहीं, वीडियोस का क्या होते हैं ऑडियो क्वालिटी इंक्रीज हो जाएगी 100% से 200%। इसको जस्ट बैक करके जस्ट और एक नीचे जाना है, 12वां नंबर पे ऑप्शन है EQ, EQ के ऑप्शन पे जाके इसको टच करिए। और यहाँ बहुत ज्यादा ऑप्शन रहता है, नॉर्मल, AM रेडियो, बेस बूस्टर, बेस रेड्यूसर, हिप हॉप, तीसरा ऑप्शन रहता है बेस बूस्टर, आपको बेस बूस्टर टच कर दीजिए। तो सबसे पहले हमको हटा के सुनाता हूँ, ये है नॉर्मल वॉइस, इसको 100 कर दिया मैंने वॉइस को, और बेस बूस्टर, बिना बेस बूस्टर की आपको एक बार सुनाता हूँ, ऑडियो की क्वालिटी सुनिएगा किस तरीके से आती है। तो लीजिए कि मेरे भाई सब कोई आ चुके हैं, जिनको आपने मेरी वीडियोस में सेकंड ऑडियो से सबको देखा होगा, सब जितने चेहरे दिख रहे हैं सब सेकंड ऑडियो में इन्वॉल्व थे, और इन्हीं सबके कारण मेरा जस्ट अभी मैं आपको क्या बोलते हैं इसका ऑडियो क्वालिटी बढ़ा के दिखा रहा हूँ। वॉल्यूम का जो सिंबल है उसके जस्ट बगल में लिखा है मिक्सर, तो इसको टच करना है, इसके मिक्सर को 100% जो वॉल्यूम का क्या बोलते हैं क्वालिटी है 100%, इसको 200% कर देना है। जस्ट बैक होके नीचे वाले ऑप्शन EQ पे जाना है, EQ पे जाइए, उसको नॉर्मल है उसको बेस बूस्टर कर दीजिए। अभी सेम आवाज मैं आपको सुनाता हूँ कैसे सुनाई दे रहा है। तो
आया ना थोड़ा भारीपन, इससे भी आपका वॉइस यदि कम लग रहा है और थोड़ा फीका फीका लग रहा है तो और तीसरा ऑप्शन मैं उसको बढ़ाने के बता रहा हूँ तरीका। जो वीडियो आपने सिलेक्ट किया उसका लेयर टच कर लीजिए, ईक्यू के जस्ट ऊपर वाला ऑप्शन है वॉल्यूम एनवेलप, इसको वीडियो का लेंथ है उसको जीरो तरीके से बढ़ाया जाता है, ना बढ़ा करके आप जीरो पे ले आइए। वॉल्यूम एनवेलप इसको टच कर दीजिए, यहाँ भी जो 100% का जो वॉल्यूम का जो कैपेसिटी दिखा रहा है, जो वॉल्यूम है 100% में रुका हुआ है, इसको हम 200 कर सकते हैं। इसको भी इसका एक लेयर रहता है, एक लाइन बन जाता है, तो इसको सबसे शुरू में ले आइए, फिर इसको इस तरीके से ऊपर उठा दीजिए, 200% हो गया। जस्ट वीडियो के आखिरी पे जाइए, मतलब वीडियो को जस्ट एंडिंग करिए, वहाँ वाला एक बिंदु पकड़िए, इसको जस्ट इस तरीके से उठा दीजिए, हो गया 200%। यदि आपका शुरुआती दो ऑप्शंस में, दो स्टेप्स में यदि आपको ऑडियो क्वालिटी थोड़ा सा कम लग रहा है और थोड़ा सा फीका फीका लग रहा है तो ये आपको प्रॉपर उठा देगा, गारंटी के साथ उठा देगा। और डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे शूट किए हो, कितनी दूरी पे रह के शूट किए हो, और यदि आप ये तीन स्टेप फॉलो कर लेते हो तो आपको बिना माइक के भी प्रॉपर माइक जैसा आवाज आ जाएगी जैसे मेरे वीडियोस में आता है। तो सुनाता हूँ आपको, तो के मेरे भाई सब कोई आ चुके हैं जिनको आ गया। मैं इस वीडियो में इस तीसरे ऑप्शन को यूज करने से पहले सजेस्ट करूंगा कि आप 200% ना करके कम से कम इसको 150 रखिए, 130-140 रखिए, ताकि ये थोड़ा ऊपर जाता है तो फिर आवाज थोड़ा हल्का सा फटने लगता है। अब इसकी आवाज सुनी जाए, तो लिजर्मा के मेरे भाई सब कोई आ चुके हैं जिनको आपने मेरी वीडियोस में, आपको प्रॉपर पता चल गया होगा कि किस तरीके से वॉल्यूम को इंक्रीज करना है, वॉल्यूम को बढ़ाना है। और नेक्स्ट स्टेप, यदि कोई डार्क सीन आ रहा है, यदि थोड़ा सा अंधेरा हो जा रहा है, तो उसको कैसे थोड़ा सा एड किया जा सके, डार्क सीन को थोड़ा हटाया जा सके, तो इसमें एक ऑप्शन है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट का ऑप्शन आपको टच करना है, जो सबसे ऊपर ब्राइटनेस है, ब्राइटनेस को 20 या 30, मतलब 20-30 के अंदर में ही रखना है, उसे ऊपर नहीं जाने देना है, बल्कि कुछ केस में मैं 40-50 भी कर देता हूँ, पर 20-30 प्रॉपर मैंने इसको 25 रखा। कॉन्ट्रास्ट को जस्ट मैंने इसको 7 या 8, उससे ज़्यादा नहीं रखा जाता, और मैं नहीं रखता, बाकी आप रख सकते हो अपने जरूरत के हिसाब से, ऊपर या नीचे कर सकते हो। तो आप देख सकते हो थोड़ा सा लाइट वर्जन आ चुका वीडियो में, थोड़ा सा क्या बोलते हैं क्वालिटी आ चुका, थोड़ा सा चमक रहा है वीडियो, तो आप इसको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप है कि मैं वीडियो का जब जो पार्ट खराब हो जाते हैं उसको किस तरीके से काट के निकालता हूँ। मान के चलो यहाँ से मुझे कुछ पार्ट कट करना है, कुछ सेकंड्स तक कट करना है, तो जस्ट वीडियो के लेयर को मैं टच कर दिया, जो ट्रिम जो कैंची का बटन उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, और या तो राइट साइड आपको पूरा काटना है तो सेकंड वाला ऑप्शन रहेगा ये वाला, और यदि ऐसा नहीं करना है तो जस्ट एक बार रिवर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए, पूरा बैक हो जाएगा, और बीचों बीच से कट करना है, कुछ पार्ट को काट के निकालना है तो ये वाला स्प्लिट, इसको टच करिए, बीच से कट हो गया, और वहां तक लेके चलिए जहां तक आपका पार्ट खराब हो चुका है उसको निकालना है। मान के चलिए मैंने यहां तक ले आया, तो इसको मैंने इस तरीके से टच किया, वीडियो के लेयर को टच किया, कैंची वाला बटन को टच किया, ट्रिम वाले को, और स्प्लिट कर दिया, तो बीच का ऑप्शन जो आ गया तीन टुकड़े में कट गया आपका फर्स्ट पार्ट, आखिरी वाला पार्ट, बीच वाला पार्ट। बीच वाले पार्ट को हटाना है तो जस्ट वीडियो को टच करिए, उसी पार्ट को डिलीट का ऑप्शन का टच करिए, वीडियो चला गया खत्म। और यदि आपको क्या बोलते हैं ट्रांजेक्शन करना है, ट्रांजेक्शन यूज करना, मतलब फर्स्ट वीडियो का क्लियर, सेकंड वीडियो के लिए दूसरों को मिक्स करना है, एकदम अच्छे तरीके से मिक्स करना है, जस्ट एक प्लस वाले बटन को टच करिए, इसके लिए आपको ट्रांजेक्शन डाउनलोड करना पड़ेगा, नेट ऑन करिए, डाउनलोड कर लीजिएगा ये वाला ऑप्शन पे, जो ये होम वाला बटन है, यहाँ से आपको आ जाएगा इस तरीके से, ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है मैंने, तो मैं अक्सर जूम स्विच वाले ऑप्शन का ही यूज करता हूँ ट्रांजेक्शन के लिए। इसमें मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नंबर की यूज कर दिया, तो देखिए किस तरीके से, मतलब इस तरीके से मिक्स हो जाता है तो अच्छा लगता है देखने में। और ट्रांजेक्शन का मिक्स टाइमिंग 1 और 1.5 सेकंड के बीच में रखना बेहतर है। मैं जस्ट अभी वीडियो ओपन कर रहा हूँ, देखो इस तरीके से, तो आप ये दोनों तीनों तरीके अपने वीडियो के एडिटिंग में मिक्स कर सकते हो, यूज कर सकते हो। मैं फोन से ही शूट करता हूँ फिर भी आपको वीडियो की क्वालिटी थोड़ा अच्छा ही लगता होगा देखने में, तो उसके लिए जस्ट मैं इस वीडियो को एक्सपोर्ट करता हूँ, मतलब वीडियो को सेव करता हूँ, तो किस कैटेगरी में सेव करता हूँ दिखा रहा हूँ मैं आपको। फ्रेम रेट हमेशा 60 रखा करिए। जो बिट रेट आपको दिख रहा होगा यहाँ 3.19 Mbps से शुरू होके ये जाता है 29 तक। ये आपको डिपेंड करता है कि आप कैमरा से शूट कर रहे हो या तो फोन से शूट कर रहे हो। यदि आप कैमरा से शूट करते हो तो बिटरेट 29 की जगह ऊपर चला जाता है, साथ 40-50 भी चला जाता होगा। अधिक से अधिक मैं 29 ही रखता हूँ, पर कभी कभार की केस में मुझे जल्दी वीडियो अपलोड करना है, थोड़ा MB कम रहे, स्टोरेज कम रहे, पर क्वालिटी भी रहे, तो उसके लिए मैं इसको जस्ट 20 कर देता हूँ। 20
20.05 कर दिया, मतलब 20.05 Mbps, रिजोल्यूशन फुल HD 1080p कर दिया मैंने, और बिटरेट 20.05 Mbps। तो जस्ट मैंने इस वीडियो को सेव कर रहा हूँ, तो सेव का ऑप्शन चालू हो चुका, इसके जस्ट बाद में दिखा रहा हूँ वीडियो की फर्स्ट वाली क्वालिटी, वीडियो की सेकंड वाली क्वालिटी में दोनों शेयर करूंगा। हो चुका एक्सपोर्ट, अब मैं आपको गैलरी में जाके दिखा रहा हूँ। ये रहा, मैंने अपना गैलरी सिलेक्ट कर लिया। सबसे पहले तो आपको नॉर्मल वीडियो एक बार चला के दिखा देता हूँ मैं। तो इस वीडियो को मैंने ओपन किया था, देखो जस्ट अभी एडिट होने के बाद ऑब्जर्व करिएगा कि उसमें क्या क्या चेंजेस आए और कैसा लग रहा है चेंज आके। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और यदि आपको वीडियो नॉलेजेबल लगी, पसंद आई, अच्छी लगी, और आपके सीनु भाई का मेहनत, मेरा डेडिकेशन और आप सबका प्यार अच्छा लगे, तो प्लीज मुझे और सपोर्ट कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए, मुझे और ज्यादा ऑडियंस चाहिए ताकि हमारी मेहनत और बेहतर तरीके से रंग लाए। इसके लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक कमेंट जरूर छोड़ दीजिएगा, आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है और डायरेक्शन मिलता है कि मेरी वीडियोस किस लय में जा रही है, आपको कितना अच्छा लग रहा है। मेरी वीडियोस कमी भी लगे तो फिर भी कमेंट करिएगा ताकि मैं उसको सुधार सकूं। तो प्लीज मुझे सपोर्ट करिए, वीडियो लाइक करिए, लोगों तक शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सीनू भाई ब्लॉग्स को और लोगों तक पहुंचाइए। कल सुबह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए लव यू, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। कौन सा ऐप यूज करता हूँ थंबनेल बनाने के लिए, तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट करिए। यदि आपके कम से कम 20 30 40 50 भी कमेंट आ जाते तो उस टॉपिक में मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा। यदि मुझसे कुछ छूट रहा होगा इस वीडियो में और गलती से कुछ मुझसे गलती हो जा रही है तो उसके लिए दिल से माफी चाहूंगा, प्लीज माफ कर दीजिएगा। और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी और इससे जरूर नॉलेज मिला होगा। और